डेढ़ साल पहले हुई आपसे समझौते से शादी, पति के एक्सीडेंट के बाद जिला अस्पताल में देखने आए ससुराली जन पत्नी को लेकर हुए फुर। जिले के अस्पताल में एक एक्सीडेंट में घायल हुई पति को पत्नी छोड़कर चली गई। युवक को उसको ससुराली जन देखने के लिए आए थे। इसके बाद ससुराली जन अपने साथ घायल युवक की पत्नी को भी लेकर चले गए। जानकारी के अनुसार नवाब वाल्मीकि पुत्र रुस्तम वाल्मीकि निवासी ग्राम खोदा थाना बैरार ने बताया कि मेरी शादी डेढ़ साल पहले काजल पुत्री जुगल किशोर वाल्मीकि निवासी ग्राम सुभाषपुरा के साथ डेढ़ साल पहले आपसी समझौते के साथ हुई थी। कुछ दिनों पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 16 सितम्बर 2024 को ससुराल से नरेंद्र सुरेंद्र नरेश रिंकू कुसुम वाल्मीकि ग्राम सुभाषपुरा हाल निवासी जयपुर मूल ले गए थे और मेरी पत्नी को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जयपुर ले गए। 16 सितंबर 2024 को ससुराल से नरेंद्र सुरेंद्र नरेश रिंकू कुसुम वाल्मीकि ग्राम सुभाषपुरा हाल निवासी जयपुर मिलने आए थे और मेरी पत्नी को जबरदस्ती अपने साथ जयपुर ले गए। एसपी से पीड़ित युवक ने पत्नी को खोजने की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो आप? कौन सा थाना लगता है? एसपी साहब के पास आओ, क्या समस्या लेके आओ, क्या हुआ? समस्या सर, मेरी बीवी को उसके घर वाले जबरदस्ती खींच के हॉस्पिटल से लेके फरार हो गए। कब की बात है ये सर? अभी कुछ टाइम 11:30 बजे की बात है। तो आप कहाँ थे? मैं सर एडमिट था हॉस्पिटल में, भर्ती था। आपके घर वाले? घर वाले कुछ लोग नीचे थे, कुछ लोग मेरे पास मम्मी बैठी हुई थी और GI डॉक्टर को बुलाने गए थे। आपकी मिसेज कहाँ थी? मेरी मिसेज उसकी भाभी के साथ में थी। उसकी कहाँ थी? हाँ, उसकी भाभी का नाम क्या था? खुशबू। मिसेज का नाम? मिसेज का नाम काजल। उसके पिताजी का नाम? जुगल किशोर। आपके पिताजी का नाम? रुस्तम वाली। कहाँ की रहने वाली? कौन सा रहने वाली? कहाँ की मिसेज आपकी? सुहासपुरा। आप कहाँ के रहने वाले? खोदा। कहाँ पड़ता है? वेरार। तो जब उनको ले गए उठा के, तो आप लोगों को कब मालूम चला? आपको कब मालूम चला जब? कहाँ से ले गए थे? हॉस्पिटल से लेके गए थे सर। कौन कौन ले गए? उसके साथ में दो लड़के कोई दूसरे थे और दोस्त के भाई थे और एक उसकी माँ थी, दोस्त की सिस्टर थी। कैसे ले गए? उसको लेके गए थे कि हम तुझे सामान बुलवा लें। उसकी भाभी देख के बोली सामान बुलवा लें, बोले बाहर से सामान के बहाने उसको लेके आए, गाड़ी में डाल के सीधा लेके चले गए। उसके भाई थे, घर वाले थे? हाँ, दो लड़के कोई अन्य समाज के थे। तो जब किसी को ले जाते हैं तो चिल्लाता भी है, झूमर झटकी नहीं? तो सर उसने ये सोचा था कि भाभी मुझे सामान बुलाने लेके जा रही हैं, जब मेरे पति को देखने आई हैं तो यहाँ पे कोई गलत करने नहीं आई हैं। तो कोतवाली गए थे? हाँ सर, कोतवाली गए थे। वहाँ पे पुलिस वालों ने ये बोल दिया, बोले जहाँ पे ऐसे पता नहीं तू बहाने बना के आ गए, ऐसे कौन किसको उठा के ले जाता है। रिपोर्ट कुछ नहीं ली अभी, पता नहीं क्या बोल रहे थे। वो आ जाएंगे तब देख लेंगे, कैमरे हमरे चेक करवा देंगे, अभी बाहर बैठो जाके। आपको क्या हुआ है? एक्सीडेंट हुआ है सर। कैसे हुआ सर? शायद उन लोगों ने करवा दिया, क्या पता उनका माहौल, मुझे पता नहीं। कहाँ हुआ है एक्सीडेंट? पीछे से गाड़ी दी थी फोर व्हीलर मुझे। फोर व्हीलर से दिए? हाँ। आप बाइक से थे? हाँ। कौन सी जगह हुआ है ये सर? हुआ है मुझे हीचागढ़ निकलने के बाद। शादी कब हुई थी आपकी? करीबन सर 2.5-3 साल हो गए। बच्चे हैं? बच्चे नहीं है। लंबे मैरिज की थी? मंदिर से? नहीं सर, कोर्ट से की थी। कागज है मेरे पास। कहाँ की थी? हाँ ग्वालियर की थी। और ही की थी। हाँ।